Hi guys, this is Krishna Khan saying. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. कैसे हो? तो guys, आज हम लोग किन की वीडियो लेके आए हैं? अनवर मसूद की वीडियो. ये बहुत ही जाने माने पोएटर है. और ये प्रोफेसर भी है. हाँ. और इनकी जो पोएट्री होती है वो काफी फनी होती है, बहुत डीप मीनिंग होती है. मतलब ये मेरे ख्याल से कैसे पता हमें ये? अरे लोगों ने बताया ना, लोग मेल इतना लंबा छोड़ करते क्यों करते हैं. कम से कम इनके लिए मेरे को इतने सारे मेल आ चुके हैं, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे मेल आ चुके हैं. और मोस्ट ऑफ इनके तो पंजाबी में थे, लेकिन ये हमने पिक किया है जिसमें कि पंजाबी भी है लेकिन साथ में उर्दू और हिंदी भी है. थोड़ी तो हम लोग को समझने में थोड़ा इजी होगा इसको. हाँ, तुम्हें बहुत डीप वाली पंजाबी आती है? बहुत डीप वाली ये बोलते ही नहीं है ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और बस उसके बाद ही बात करेंगे. हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट. चैनल को सब्सक्राइब. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ਮੈਂ ਕਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾਈਵ ਬਿਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ. ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਭੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਲਾਤਾ ਹੂੰ ਚੀਨੀ. ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣ ਲਗੀ. ਅਭੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਲਾਤਾ ਹੂੰ ਚੀਨੀ ਗਵਾਲਾ ਘਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪੜਾ. गवाला घर से अपने चल पड़ा है. हुजूर अब चाय पी कर जाइएगा. मुलाजिम लकड़ियां लेने गया. अच्छा, मेरे अंदर एक कश्मकश है जदीदो कदीम की. कभी वो सास और बहू का झगड़ा बन जाती, कभी और लस्सी और चाय बन जाती है. और मेरा वोट जो है ये आपको खुद पता चलता है किसके साथ है. हमने बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो अच्छी वैल्यूज़ थे वो हम उनसे महरूम होते जा रहे हैं. ये बड़ा जुर्म है. मैं लसी चाहूँ कहती, मैं सोनी मैं गोरी गोरी, मैं सोनी मैं गोरी गोरी, तू काली कलवट्टी, मैं नींदर दा सुख सनेओड़ा, तू जगराते पट्टी यार. ते जिस वेले मैं चाही चाही छन्ने अंदर छलका, केड़ा सांबे मेरी लिशका, कौन संभाले डलका, रंग मेरा भी मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दूध मलाई माँ प्यू मेरे, मेरा असला उच्चा. ते जेड़ा मैनू रिड़कण बैठे उस दे बारी जावा, खड़के टोल मदानी वाला. ये राइटर भी खुद ही है उन्हें ना. सारी अपने ही बोलते हैं ना ये. मैं लोकां दी सेहत बनावा, तू पे सेहत बगाड़े, मैं पे ठंड कलेचे पावा, तू पे सीने सारे. चा कहंदी है पै गई छुपाई पको, मेरे मगर तगाने, मेरिया सुर्खियां पर्दे लोग से आने. आज ना इंटेलेक्चुअल ड्रिंक है. मेरिया सुर्खियां पर्दे जेड़े ओहो लोग से आने, मेरा हुस्न पछाणन जेड़े, दिल में उन्होंने ठगना, मेरा रंग कलिखण उत्ते लैला वर्गी ते पिंडे दी मैं पीड़ गवावा, जड़ों थके में पोरा, ठरिया होया जुस्सिया नू मैं मिठिया करां टकोरा, तू है खंघ जुकाम ते नजला की मैं गिण गिण दसा, ओ मेरे निगे कोट उतारन चढ़िया हुईया कसा, बुखार तू है खंघ जुकाम ते नजला की मैं गिण गिण दसा, मेरे निगे कोट उतारन चढ़िया हुईया कसा, ते कंजी रहो तू जे अंदर तैनू की तकलीफा, जे मैं सोनिया मेजा उत्ते रखा पई तशरीफा. लसी चान कहती है कि अपनी जात कुड़ितन होवे ते मिश्री नाल लड़िए. अपनी जात कुड़ितन होवे मिश्री नाल न लड़िए, नीकल मुइए कौड़िए तत्तिए पैड़िए नखरे सड़िए, ना कोई सीरत ना कोई सूरत. मत्था तू ते इंजे जापे जीव कर जिन पहाड़ों लत्था. ते मैनू पूछो हकीकत अपनी बड़ी फिरे तू रानी,
ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਉ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰਨ ਕੀ ਤੇਰੀ ਭਲਿਆਈ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚਰਬੀ ਖੋਰੇ ਚਰਬੀ ਖੋਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੋਇਆ ਕਤਰਾ ਟਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਰਕਾਵੇ ਸਾਲਮ ਗੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੇ ਯੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿਸੀ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੇ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵੱਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਉਸਦੀ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਵਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਤੇ ਅੜੀਏ ਜਿਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਸੋਚ ਦਾ ਪੰਛੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਡੋਰੀ ਉੱਤੇ ਨੇਤਰ ਚਾਵਾਂ ਪਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਯੇ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਰਾ ਯੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਯੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਮ ਕਿੰਜ ਕਿੰਜ ਨਖੇੜਾ ਤੇ ਸੇੜ ਲਿਆ ਜੇ ਜੁਗੋ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਬਖੇੜਾ ਕਿਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਆਣੀ ਆਖਾਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਚੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਵੱਲੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਵੱਲੀ ਤੇ ਸੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਤਰਈ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇ ਨਿਬੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰਦੀ ਸਾਂਭੀ ਰਾਣੀ ਚੈਣਕ ਬੇਗਮ ਸਾਂਭੀ ਰਾਣੀ ਚੈਣਕ ਬੇਗਮ ਠੱਪੀ ਰੱਖ ਵਟਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਖੰਡ ਵੀ ਕੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਖਾਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖੰਡ ਵੀ ਕੌੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤੀ ਬੁੜਬੁੜ ਨਾ ਕਰ ਬੀਪੀ ਨਾ ਕਰੇ ਡਰ ਤੱਕਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੁਚੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੇਰੀ ਮੰਤਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸਨ ਛੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸਨ ਛੋੜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਅੱਗ ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਗੇ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਐਸੇ
दो नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स बना दिया जाता है ना तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है, उनके फाइटिंग, उनके नॉक जोक्स। हाँ, जैसे जोक्स होते थे ना बचपन में कुकर और कढ़ाई के, तो वो बड़े मजेदार लगते थे। वैसे ये चाय वाला सी का भी बहुत मजा आया मुझे सुनने में। और बाकी मैं दूसरा ये चीज बोलना चाहूंगा कि इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो काफी अच्छी है, और ये जो एक्सप्रेशन ले लेके बोल रहे थे जैसे ये खुद ही उसको बोल रहे हो ऐसा भी ला रहा था, है ना? वही इनका एक्सप्रेशन जो एक पोएट्री के अंदर जो एक सबसे खासियत होती है वो अपनी पोयम को किस तरीके से प्रेजेंट करता है। हाँ, वो इनके अंदर कोट कोट के भरी हुई है अच्छे तरीके से। और फिर बीच में जब दूध का पार्ट आया था तो वो जो उन्होंने मैं क्या मतलब ऐसे पंजाबी में बोला कि मैं क्या बीच में बोलूं तुम लोगों के झगड़े में, तो वो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगा कि हाँ मतलब ये कैरेक्टर को भी अलग अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि मैं तो ये देख के हैरान था कि करीबन 8-9 मिनट तक इन्होंने कंटिन्यूअस बोला है, ना कुछ देखा है, ना कोई पेपर था इनके पास, ना कुछ भी, और मतलब इनके दिमाग में वो सारी चीजें थी। ये तो पता है कि जो एक कॉमेडियन होता है, कॉमेडियन ये जो पोएट्री करता है वो इन सब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो काफी जो नॉर्मल लोग से एक लेवल, दो लेवल, पांच लेवल ऊपर ही होता है। ये लोग उनका दिमाग बहुत जल्दी मतलब कैप्चर करता है कुछ भी चीज़, मतलब रिकॉल भी बहुत जल्दी करता है, तभी तो ये ऑन द स्पॉट बोल पाते हैं। हम जैसे लोग होंगे तो आपके स्टेज में आके बोलेंगे कुछ लाइन फिर ब्लैंक हो जाएंगे, है ना? वही बात है ना, वही कॉन्फिडेंस होता है अगर हमने कुछ भी खुद से किया हो तो उस पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, हमें याद रहती है। और ये भी है कि इनको तजुर्बा भी है काफी ज्यादा, इनको एक्सपीरियंस है काफी, एज वाले भी लग रहे हैं ये। पर मुझे ऐसा लगा इनके साथ सारी पोएम सिर्फ पंजाबी में ही है, हिंदी में नहीं लगी मुझे, मतलब हिंदी में इन्होंने बहुत थोड़े वर्ड्स यूज किए हैं हिंदी या उर्दू में, बाकी इन्होंने पंजाबी ही बोले है, है ना? तो अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस आप लोग कमेंट करके हमें ये भी बताओ कि ये क्या बोलते हैं, क्या बोलने वाला था यार मैं, हाँ मेरे को काफी लोग ने ये बोला था कि प्रोफेसर है ये, कॉलेजेस में पढ़ाते भी है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट लेते होंगे, हिंदी सॉरी पंजाबी, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो थी इनके ऊपर, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और आप लोग चाहते हो कि हम इनके और वीडियोस पे रिएक्शन करें तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलते हैं हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी गाइस, टाटा।